कोरोना लोगों के लिए एक बड़ी सबक बन रही है, बड़ी परेशानी की वजह बन रही है। लोग कुछ समझें ना समझें, लेकिन ये समझना ज़रूर है कि कोरोना से दूर रहना, अपने को बचाना इस परेशानी की सबसे बड़ी सबक है। हम सबसे पहले इस चित्रकारिता की ओर ध्यान देंगे। ये जो आर्ट बनाई गई है, इस आर्ट पर लिखे हुए को यदि पढ़ा जाए तो कोरोना की घनघोर माया, नियम निभाया जान बचाया। साफ सा मतलब है कि यदि आप इनके दिए हुए नियमों को पालन कर रहे हैं तो आपकी जान सुरक्षित है, आप स्वस्थ हैं और लोग भी स्वस्थ होंगे। ये युवा कलाकार हैं, हम इनका परिचय कराना चाहेंगे। ये युवा कलाकार हैं और एक अपनी संस्था चलाते हैं पहल डिजाइनिंग करके। निश्चित तौर पे इनका पहल जो है वो शानदार है। ये जगह जगह घूम के, अभी हालांकि कैंट स्टेशन पे ये हैं, लेकिन अलग अलग शहर के हिस्सों में इस टाइप के मैसेज दे रहे हैं चित्रकार के चित्र के माध्यम से, जो लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप सुरक्षित रहना है, यदि समाज को सुरक्षित रहना है तो नियमों का पालन करना है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ जी, क्या है ये? ये हम लोगों की आज एक कलाकृति है, जो कि ये बनारस की तीसरी कलाकृति हम लोगों की। ये हम लोगों का तीसरा काम है बनारस में कोरोना अवेयरनेस के लिए। पहले तो हम लोगों ने जो दो काम किया था उसमें बेसिकली हम लोग जैसे सिगरा के सामने किया था, तो उसमें मेनली हम लोगों ने पुलिस को ट्रिब्यूट किया था। दूसरा काम जो जीजीआईसी मलदैया पे किया था, उसमें हम लोग बेसिकली डॉक्टर को ट्रिब्यूट किया था। लेकिन यहाँ पे हमने ओवरऑल आप देखोगे नर्स, पुलिस और हमारे जो सफाई कर्मी जो इन गंदगी को छू रहे हैं और हमें इन चीज़ों से अवेयर कर रहे हैं, और अब जो हमारे सामने एक और वॉरियर उतर के आया है रेलवे, जो मज़दूरों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो मज़दूर बाई रोड आ जा रहे थे या डायरेक्ट अपने साधन से किसी तरीके से आ रहे थे, तो उनके साथ संक्रमण भी हमारे पास आ रहा था। इसलिए हमारा पहला दृश्य जो है हमने दिखाया है कि वो जो प्रॉब्लम है कि घर तो आ रहे हैं लेकिन कोरोना लेकर आ रहे हैं, और लेकिन अगर वो ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ पर आते ही उनकी जांच हो रही है, वो क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो उनके एक के यहाँ के आने से हम 100 की जान बच जा रही है। तो हमने एक ओवरऑल एक पूरा दृश्य दिखाया है। और अपने लोगों की टीम हमारी ये 5 लोगों की टीम है, जिसमें आप पांचों मिलके काम करते हैं? हाँ, ये पांचों मिलके काम करते हैं। आपको इस टाइप का बनाने के बाद संतुष्टि कितनी है? हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी इस पैंडेमिक में कुछ अपना योगदान दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि सबके पास कुछ ना कुछ योगदान अपना देने के लिए है, कोई दान कर रहा है, कोई पैसे डोनेट कर रहा है। तो हम अपने आर्ट के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम इससे कैसे बचें, और हम यही बताना चाहेंगे कि हम इसे थोड़ा व्यंग्य तरीके से दिखाना चाहते थे ताकि लोगों का आकर्षण और बढ़े। और इस तरह से हम दिखाते हुए बता रहे थे कि हमारा ट्रेन के नीचे जो है अचानक से जो कोरोना है वो ट्रेन के नीचे आके दब जा रहा है, और वो चिल्ला के बोल रहा है मर जाइब रे, ऐसे करके कुछ बोल रहा है वो। देखिए, ये चित्रकारिता है और चित्रकारिता कहा जाता है कि बहुत सारी बातें कह जाती है। ये जो स्लोगन दिया हुआ है ये बनारसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, चूँकि ये बनारस है। और इन युवा कलाकारों की बात करें तो निश्चित तौर पर इनका माना जाए, इनका साफ साफ कहना है कि सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है निर्माण में, देश के सुरक्षा में। लिहाजा हम युवाओं का चित्र के माध्यम से लोगों को, स्लोगन के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस लाना है, लोगों को बताना है कि वो कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करें। अभिषेक के साथ संतोष। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को